हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द सी शेकिंग में। मैं आपका दोस्त पंकज। सो तुम्हारा भाई एक बार फिर से हाजिर है एक बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर अनबॉक्सिंग वीडियो के साथ। और आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं अदल्या फ्लेवर का, और फ्लेवर नेम होने वाला है लेडी किलर, और ये फ्लेवर होने वाला है मेड इन टर्की। बहुत फेमस फ्लेवर है, यूँ समझ लीजिए ये जो लेडी किलर फ्लेवर है ये वर्ल्ड में टॉप 10 फ्लेवर के अंदर आता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इस कंपनी के बारे में कुछ जानते हैं और इस फ्लेवर का रिव्यू करते हैं। चलिए आज तुम्हारा भाई अनबॉक्सिंग करने वाला है अदल्या कंपनी के लेडी किलर का। और ये आप देख सकते हैं इसके फ्रंट साइड और बैक साइड पे 85% कैंसर वार्निंग है, जो कि एज पर गवर्नमेंट रूल बैक और फ्रंट साइड पे 85% कैंसर वार्निंग होने मैंडेटरी है। और जिन लोगों को इस कंपनी के बारे में नहीं पता उनको मैं बता दूँ, ये मेड इन टर्की है कंपनी अदल्या, और ये वर्ल्ड के अंदर दो काम ऐसे करती है जो शायद कोई भी कंपनी नहीं करती है। पहले नंबर का ये, इसके 95% फ्लेवर कूलेंट बेस है। अब से कुछ टाइम पहले मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया था कि कूलेंट पे पूरी वेव कंपनी खेल रही है, कूलेंट पे अदल्या कंपनी चल रही है। यूँ समझ लीजिए जैसे अफजल पूरा पान रास के ऊपर चल रही है, ऐसे ही ये कंपनी कूलेंट के ऊपर चल रही है। दूसरी चीज़, ये पूरे वर्ल्ड के अंदर एक ऐसी कंपनी है जो ग्लेसरीन अलग से देती है और फ्लेवर अलग से देती है, टोबैको अलग से देती है। आप इनको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको मिक्स कर सकते हैं। हालांकि ये इस फ्लेवर के अंदर नहीं है, वो इनकी अलग सेगमेंट है, लेकिन ये इकलौती ऐसी कंपनी है जो चिकन अलग और ग्रेवी अलग बेचती है। तो ये तो हो गए इसके फ़ायदे। और इसके नेगेटिव साइड की अगर मैं बात करूँ तो इसका लोगो और इनकी प्रेजेंटेशन मुझको बहुत गंदी लगती है। स्पेशली इनका लोगो मुझे ऐसा लगता है किसी आदमी ने कम से कम नहीं तो एक बोतल दारू पी के इसका लोगो डिज़ाइन किया है। बहुत गंदा लोगो है इनका, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, अंत बना तो सब बना। एट द एंड माल अच्छा होना चाहिए, और माल अच्छा है तो लोगो और ये सारी चीज़ों पर कौन ध्यान देता, हो सकता है आगे जाके फ्यूचर पर ये ध्यान दे। तो चलिए इस फ्लेवर को अनबॉक्सिंग करते हैं। और इसके अंदर चार फ्लेवर होते हैं मेन जो इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे अनाउंस किया है, और एक दो सीक्रेट इंग्रेडिएंट होते हैं वो कोई भी शेयर नहीं करता, चाहे वो इंडियन कंपनी हो, टर्की हो या अमेरिकन कंपनी हो। तो जो मेन चार है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर मेलन है, ब्लूबेरी है, मैंगो है, मिंट है। इसी के अंदर थोड़े बहुत इन्होंने चेंजेस करे हैं, जैसे मिंट इन्होंने स्वीट मिंट यूज़ किया है, मीठा मिंट हमारे यहाँ पे रिफ्रेशिंग मिंट होता है, ठंडा मिंट होता है, वो मीठा नहीं होता है। हमारा जो इंडियन मिंट होता है पुदीना जो होता है, इनफैक्ट जो इन्होंने मेलन यूज़ किया वो भी मीठा है, जिसको हम मस्क मेलन बोलते हैं। एक अल्जीरियन मेलन आता है, एक मस्क मेलन है। चलिए अब इस पैकेट को खोल के देख लेते हैं जल्दी से। और ये बात की जाए इसके अंदर की पैकिंग की, तो अंदर की पैकिंग सेम है जो पूरे वर्ल्ड वाइड है, यही पैकिंग चलती है, और अल्फा कर की भी सेम होती है पूरे वर्ल्ड वाइड। बाहर की पैकिंग जो गवर्नमेंट के रूल होते हैं, UAE की कैंसर वार्निंग अलग है, इंडिया की अलग है, हर कंट्री की अलग अलग कैंसर वार्निंग होती है। देखो इसके अंदर जो मुझे लग रहा है, जो इन्होंने अपनी वेबसाइट पे अनाउंस किया है कि इन्होंने सॉफ्ट बेरी यूज की है, लेकिन इसके अंदर मुझे ऐसा लगता है कि खट्टी बेरी यूज की है, खट्टी बेरी और मैंगो जो है इन्होंने वो खट्टा यूज किया है, कच्ची कैरी टाइप का। ओवरऑल अगर मैं इसकी मेन फ्रेगनेंस ले रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है जैसे नाशपाती आता है ना, अनाशपति को क्या बोलते हैं यार, पियर बोलते हैं मुझे नहीं पता, अनाशपति की तरह इसकी खुशबू है। और बिल्कुल अनाशपति भी ऐसा है जैसे बिल्कुल पका हुआ होता है ना, जो मीठा अनाशपति होता है वैसी खुशबू है, बहुत ही यूनिक, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू है। अब ये आगे जाके पता चलेगा, एक बार चिलम रेडी कर लेते हैं।
चलिए हमारी चिलम क्लाउड कोयला और हुक्का पाइप और सारी सामग्रियाँ तैयार हैं, इसको सेट करते हैं, ओके पे चेक करते हैं स्मोक और फिर उसके बाद मैं फाइनल फीडबैक देता हूँ। और इसके अंदर एक बहुत बड़ी क्वालिटी की कमी है, वो मैं एक नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा। फिलहाल अभी जिस प्राइस में मिल रहा है इंडिया के अंदर, बहुत बढ़िया प्राइस पर मिल रहा है ये। और एक मज़े की बात ये है कि ये ऑफिशियली अब इंडिया के अंदर आ चुका है। तो अब आपको देखिए, मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, मैं चाहता तो ये पहले कहीं से अरेंज करके किसी से, कनाडा कोई भाई जा रहा होता, हमारे हम तो पंजाबी हैं, कोई भी कनाडा आता जाता रहता है, किसी को भी बोल देता भाई लेता भाई दुबई, किसी ने किसी को बोल देता दुबई से आते समय, और मैं वीडियो बना देता, मैं उस रेस का पहला घोड़ा बन जाता वीडियो बनाने का। लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है, पहले वीडियो बना के कोई फ़ायदा नहीं है, बाद में आप सभी लोग बोलते हैं कि भैया वो फ्लेवर हमें चाहिए, जब मैं उनको मना करता हूँ तो वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि दिल दुखाने वाली बात है। अब जब ये ऑफिशियली आ गया तो मैं इस पर डेडिकेटेड वीडियो बना रहा हूँ, वरना मैं इसकी वीडियो भी नहीं बना पा, फ्री में क्यों किसी के प्रमोशन करना। देखिए बात करें इसके टेस्ट प्रोफाइल की, तो इसके अंदर मेलन जो है वो कहीं ना कहीं साइड रोल निभा रहा है, मेलन बिल्कुल हल्का है। और इसके अंदर जो हाईलाइट हो रहा है वो है खटास, यानी कि मैंगो और ब्लूबेरी, जो ब्लूबेरी है और क्रैनबेरी भी हो सकता है इसके अंदर, क्योंकि खट्टी जो है वो क्रैनबेरी होती है, इसमें इन्होंने वेबसाइट पर लिख रखा है वाइल्ड बेरीज़, तो वाइल्ड बेरीज तो वही हो गया, क्रैनबेरी हो गया, एक दो और जंगली बेरीज हो गई। तो कुल मिला के ये बिल्कुल नाशपाती फ्लेवर की तरह लग रहा है, बहुत प्यारा फ्लेवर है, बिल्कुल कॉटन है, बिल्कुल रुई है सर, बिल्कुल रुई, अदन्य लव 66 की तरह, बिल्कुल कॉटन फ्लेवर। भाई मैं इस फ्लेवर को 10 में से 9 नंबर दूंगा, एक नंबर सिर्फ मैं इसलिए कट कर रहा हूँ कि इसके अंदर जो है ना कूलेंट जो है वो एक्चुअल में देखा जाए तो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन अगर इंडियन वेदर के हिसाब से या इंडियन लोगों के टेस्ट के हिसाब से देखा जाए तो कूलेंट थोड़ा सा कम है। जैसे अदरला लव 66 के अंदर है वो जितना हीट होता है उतना ही कूल होता चला जाता है, इसमें एक बैलेंस है, इसको आप जितनी देर पियेंगे वो बैलेंस कूलेंट रहेगी, ठंडक ठंडक सी रहेगी, थोड़ी सी ठंडक कम है, लेकिन मैं इसको 10 में से 9 नंबर दूंगा। और बहुत अच्छा फ्लेवर है ये, आपको ट्राई करना चाहिए। और ये फ्लेवर अगर आप बाय करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप बाय कर सकते हैं। तो ये था अदल्या लेडी किलर का रिव्यू, आई होप आपको हमारी वीडियो और हमारा काम अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा काम का लगता है और वीडियो देखने के बाद ये ना लगा हो आपको कि आपका टाइम बर्बाद हो गया, तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल दबा सकते हैं जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू सो मच, गुड बाय। हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लें जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।